जी नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमंत और आप देख रहे हैं मेरे साथ द टेक एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं पूरा डिटेल आपको तीन नया अपडेट जो कि यूट्यूब की तरफ से आया है सुबह सुबह, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा हिंदी में। अगर आप एक यूट्यूबर हो या फिर यूट्यूबर बनना चाहते हो तो आज इस वीडियो को एंड तक देखना, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाले हैं। तो चलिए डिटेल्स आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो, और वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों जो तीन नया अपडेट YouTube की तरफ से आए हैं और उसमें जो फर्स्ट अपडेट है वो है कम्युनिटी टैब के लेकर, यानी आप इससे पहले जो कम्युनिटी टैब करते थे, जो कम्युनिटी पोस्ट करते थे, इमेज वीडियो कुछ भी जो पोस्ट करते थे और वो आपको लाइफ टाइम तक रहता था जब तक आप खुद डिलीट नहीं करते थे तब तक। लेकिन अभी क्या होगा, अभी जो कम्युनिटी टैब में आप जो पोस्ट करेंगे, कम्युनिटी पोस्ट जो करेंगे उसमें आपको एक एक्सपायरी एक टाइम आपको फिक्स्ड किया जाएगा, जैसे कि 24 आवर्स से शुरू करके आप 72 आवर्स तक आप आपके कम्युनिटी टैब या पोस्ट आप जो भी करेंगे आप एक एक्सपायरी टाइम आप फिक्स्ड कर सकते हैं। तो 72 आवर्स के बाद ऑटोमेटिक वो डिलीट हो जाएगा और कोई व्यूअर्स नहीं देख पाएगा, ठीक है। और इससे फ़ायदा क्या होगा, यूट्यूब ये समझते हैं कि इससे फ़ायदा ये होगा जो कम्युनिटी पोस्ट आप करेंगे तो व्यूअर्स को पता चल जाएगा कि ये अभी 72 आवर्स या 24 आवर्स तक आपने टाइम फिक्स्ड की तो उसके बाद और नहीं रहेगा, तो आपके व्यूअर्स वो पोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा, ठीक है। अभी जितना शेयर होते थे इससे शेयर आपको और भी बढ़ जाएगा। और यूट्यूब ये समझते हुए यूट्यूब ने एक टाइम फिक्स्ड कर दिया कि आप लास्ट 72 आवर्स तक आप आपका पोस्ट सेट कर सकते हैं, आप चाहे तो 24 आवर्स और उससे भी कम आप चाहे तो टाइम फिक्स्ड कर सकते हैं। तो पहले आपको जो लाइफ टाइम रहता था आपका पोस्ट, अभी आपको नहीं रहेगा। ये था दोस्तों लेटेस्ट एक अपडेट, इससे आपका पोस्ट का शेयर और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो ये था फर्स्ट अपडेट, आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं सेकेंड अपडेट की तरफ, और जो सेकंड अपडेट है वो है चैनल मेंबरशिप गिफ्टिंग के लेकर। जैसे कि मेंबरशिप गिफ्ट क्या होता है मैं पूरा डिटेल आपको समझाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि आप आपके चैनल पर ज्वाइन बटन अवेलेबल है, जैसे कि मेरा चैनल पे मान लीजिए ज्वाइन बटन अगर अवेलेबल होता है तो इस अपडेट के द्वारा मैं क्या कर पाता, जैसे कि ज्वाइन बटन मेरा चैनल पर है तो मैं खुद यूट्यूब के पास एक गिफ्ट मेंबरशिप गिफ्ट में खरीद कर पाता था। और इससे क्या होगा, जो नॉर्मल व्यूअर्स जो मेरा चैनल पे मेंबरशिप नहीं लिया मैं उनको गिफ्ट शेयर कर सकता था, तो वो मेरा चैनल पे ऑटोमेटिक फ्री में ऐड हो पाएगा ज्वाइन बटन के द्वारा, ठीक है। और भी मान लीजिए कि मेरा चैनल आप सब्सक्राइब करके रखा, आप ज्वाइन बटन भी ले लिया, मेंबरशिप ले लिया, तो आप भी मेरे से गिफ्ट खरीद करके आपके परिचित कोई नॉर्मल व्यूअर्स जो मेरा चैनल पे ज्वाइन नहीं हुआ उनको आप गिफ्ट शेयर करेंगे तो वो भी मेरा चैनल पे ऑटोमेटिक फ्री में ऐड हो पाएगा, ज्वाइन बटन पे ऐड हो पाएगा। तो इससे यूट्यूब ये समझते हैं जो नॉर्मल व्यूअर्स जो कोई चैनल पे मेंबरशिप नहीं लिया अगर उन्होंने ये सुविधा ले फ्री में तो धीरे धीरे खुद वो परचेस करेगा, मेंबरशिप लेगा, तो इसमें क्रिएटर का मेंबरशिप और भी इंक्रीज हो जाएगा। इसमें ज्वाइन बटन जो नॉर्मल व्यूअर्स होते हैं उन्होंने भी ये सुविधा लेते लेते जब समझ जाएगा वो भी ज्वाइन पे ऐड हो जाएगा और मेंबरशिप खरीदेगा, इससे मेंबरशिप इंक्रीज होगा, ये यूट्यूब समझते हैं। तो ये सेकेंड अपडेट काफ़ी अच्छा अपडेट है, अगर आपका ज्वाइन बटन ऐड है, ज्वाइन बटन अवेलेबल है तो आपके लिए एक बहुत बढ़िया एक अपडेट आप बोल सकते हैं। तो ये था दोस्तों सेकंड अपडेट। तो चलिए बढ़ते हैं थर्ड अपडेट की तरफ। ये थर्ड अपडेट जो आए हैं कि YouTube का जो मेन एप्लीकेशन है जहाँ पे हम लोग वीडियो देखते हैं वहाँ पे अभी YouTube का स्टूडियो सारी के सारे जो फीचर्स होते हैं धीरे धीरे मिल जाएगा, और वहाँ पे जाके आप आपके वीडियो पे कोई भी थंबनेल चेंज कर सकते हैं, थंबनेल सेट कर सकते हैं, यानी कुल मिला के यूट्यूब का जो मेन एप्लीकेशन होते हैं वहाँ पे भी सारी के सारे स्टूडियो का फीचर्स धीरे धीरे आपको मिल जाएगा। तो ये था दोस्तों तीनों अपडेट जो मैं आपको हिंदी में डिटेल्स एक्सप्लेन किया, हमें आशा करता हूँ कि पूरा समझ में आ गया। अगर कोई दिक्कत आई तो चैट सेक्शन में लिखिएगा, और वीडियो पसंद आई तो एक लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हो इस तरह लेटेस्ट वीडियो हमेशा के लिए देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल बटन पर प्रेस करके रखिएगा। मिलता हूं फिर अगले और एक नया कंटेंट के साथ, तब तक आपका ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।